यहाँ पर मेरे पास है TS7 Android कार स्टीरियो और इस वीडियो में बताऊंगा आपको TS7 Android कार स्टीरियो में आप स्प्लिट स्क्रीन को किस टाइप से यूज कर सकते हो, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर एक साथ दो दो एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ, गूगल मैप्स राइट साइड में और लेफ्ट साइड में यूट्यूब को भी यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जिसको लेफ्ट और राइट में रखना है तो दो एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना होगा। मैं यहाँ पर चेक करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कौन सी एप्लीकेशन ओपन है। यहाँ पर अभी कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो नो रिसेंट आइटम्स। आपको मिनिमम दो एप्लीकेशन की नीड होगी स्प्लिट स्क्रीन के लिए, तो मैं यहाँ पर दो एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहा हूँ, गूगल मैप्स और यूट्यूब को। आप चाहो तो कोई भी दो एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो जिसको आपको स्प्लिट स्क्रीन करना है। मैं यहाँ पर मैप्स और यूट्यूब को लेकर स्प्लिट स्क्रीन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक गूगल मैप्स को ओपन कर दिया और इसके बाद मैं यूट्यूब को ओपन कर लूँगा। यहाँ पर गूगल मैप ओपन हो चुकी है। देन आपको होम बटन दबाना है, बैक बटन नहीं दबाना है। बैक बटन दबाने से आपका टास्क क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप होम बटन दबाना। होम बटन दबाने के बाद मैं दूसरा कोई एप्लीकेशन जैसे यूट्यूब को ओपन कर ले रहा हूँ। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आप होम बटन के जो राइट में बटन है इस पर क्लिक करना। जब ये आपको दो टास्क यहाँ पर आप देख सकते हो, मैप्स और यूट्यूब, आपको जिसको भी राइट में रखना है या लेफ्ट में रखना है उस एप्लीकेशन पर आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। मैं यहाँ पर किस एरिया में लॉन्ग प्रेस करना है मैं ग्रीन बॉक्स से हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। देन यहाँ पर आप देख सकते हो मैं मैप्स एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस किया हुआ हूँ, और यदि इसको राइट में रखना है तो लॉन्ग प्रेस करके राइट साइड की तरफ ड्रैग करना होगा, या लेफ्ट में रखना है तो लॉन्ग प्रेस करते हुए आप लेफ्ट में ड्रैग करोगे तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। मैं राइट में कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो। देन आपको राइट में इसको छोड़ देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैप्स एप्लीकेशन राइट में शिफ्ट हो चुकी है। देन यूट्यूब के लिए आप लेफ्ट में जाओ और उसी एरिया में फिर से सिंगल क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। देन आप यहाँ पर इसको यूज़ भी कर सकते हो, प्ले वगैरह कर सकते हो वीडियो को, और मैप्स में आप नेविगेट भी कर सकते हो किसी एरिया को। तो आप इस टाइप से TS7 एंड्रॉयड कार स्टीरियो में एक स्क्रीन में आप दो टास्क को एक साथ यूज कर सकते हो।